इलेक्ट्रॉनिक टंग और ई टंग इलेक्ट्रॉनिक टंग इज अंस्ट्रूमेंट और डिवाइस डेट मयरस एंड कम्पेयर द इलेक्ट्रॉनिक टंग हैज एरे ऑफ डिफरेंट केमिकल सेंसर्स यानि की इलेक्ट्रॉनिक टंग में मुख्तलिफ केमिकल सेंसर्स के एरेज मौजूद होते हैं विच कैन डिटेक्ट डिफरेंट केमिकल कम्पाउंडस दम्बिनेशन ऑफ ऑल सेंसर रिजल्ट इन जनरेटिंग आ यूनिक फिंगरप्रिंट यानी कि जब हम किसी लिक्विड में इलेक्ट्रॉनिक टंग को डिप करते हैं उसके नतीजे में एक प्रोफाइल जेनरेट होता है बिकॉज नॉर्मली इन अ कंपाउंड इन अ लिक्विड देर आर मोर देन वन टाइप ऑफ कम्पाउंड हर कंपाउंड का अपना एक प्रोफाइल जेनेट होता है एंड देन दिस प्रोफाइल इज सेंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन बाय पैटर्न रिक्निशन सिस्टम यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड्स नाउ द डिस्क्रिप्शन इन इलेक्ट्रॉनिक टंग मल्टीपल सेंसर सिस्टम आर यूज दीज मल्टीपल सेंसर आर फॉर आ नंबर ऑफ केमिकल्स अच्छा एंड दिस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अलाउड द यूज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल फॉर थ्री पर्पजे यानी कि जो सिग्नल इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर जनरेट करते हैं उनको हम तीन तरह से एनालाइज करते हैं पहली चीज हम उसमें से मैयर करते हैं कि कौन सा कम्पाउंड कितनी अमाउंट में है दूसरा वी डिटर्मिन नेचर ऑफ द कंपाउंड एंड थर्ड वी कंपेयर द नेचर एंड अमाउंट ऑफ़ द एंजाइम एंड आफ्टर दिस टेस्ट आइडेंटिफाइड उसके टेस्ट इज आइडेंटिफाइड टेस्ट की आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें डिफरेंट केमिकल्स uh, की इंटेंसिटीज का पता होना जरूरी है अच्छा अब इलेक्ट्रॉनिक टांग का वही काम है जो हमारी ह्यूमन टांग का काम है तो इसका मतलब है कि हमें सिर्फ उन्हीं केमिकल्स या उन्हीं टेस्ट की जानब दे, देखना चाहिए जो कि हमारी टांग हमें बताती है ये वो टेस्ट जो कि हमारी टांग जिनकी टेस्ट पर मौजूद है इनमें सबसे पहला टेस्ट एसिड का है यानी खटाई का जिसमें स्कॉर्बिक एसिड शामिल है दूसरा टेस्ट एस्ट स्ट्रजेंट है ये जरा टेस्ट एक ऐसा है कि अगर आप कोई जैसे जो शानदा पिए तो उसके नतीजे में थोड़ी सी खुश्की सी गले में हो जाती है दैट इज अ टेस्ट विच इज नोन एज एस्ट्रजेंट टेस्ट तीसरा टेस्ट बिटर यानी कि कड़वापन चौथा सॉल्टेस यानी नमक आम सोडियम क्लोराइड से मिलता जुलता कोई टेस्ट या सोडियम क्लोराइड का टेस्ट चौथा शुगर यानी मिठास और छठा टेस्ट मेमी मेमी इज अ न्यू टेस्ट इसके मुतालिक हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं दिस बिकॉज इसको हम इसलिए नया टेस्ट मानते हैं क्योंकि हमारी जबान में इसके रिसेप्ट मौजूद हैं एंड दिस टेस्ट इज ऑफ दमाइनो एसिड एल ग्लूटामेट एंड फाइव राइबो न्यूक्लियोटाइड

सो देर आर केमिकल सेंसर ऑन दंग एंड देर आर केमिकल सेंसर ऑन दी ह्यूमन टंग हमारे पास जो सेंसर है वो सोल्ट स्वीट मेमी सार बिटर और यही सेंसर जो है मुख्तलिफ डिजाइन में जो है या मुख्तलिफ एरेज में हमने इलेक्ट्रॉनिक टंग में अरेन्ज किए हैं अच्छा ना हाउ डज दिस सिस्टम वर्क फर्स्ट थिंग इज द इलेक्ट्रॉनिक टंग कैन डिटेक्ट डिफरेंट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कम्पाउंड अभी जो हमने पीछे कम्पाउंड टेस्ट की डिटेल पड़ी ये टेस्ट जो है मुख्तलिफ ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कम्पाउंड प्रोड्यूस करते है मसलन स्कॉर्बिक एसिड सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड एक इनऑर्गेनिक कम्पाउंड है जबकि शुगर या ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक कम्पाउंड इसका मतलब है की हमारे सेंसर जो है मुख्तिफ ऑर्गैनिक और इनऑर्गेनिक कम्पाउंड को मिलाकर जो है डिटेक्शन करते हैं तो पहला स्टेप जो है दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ सैंपल सैंपल इंट्रोडक्शन इसमें ऐसे होगी कि यू पुट दी इलेक्ट्रॉनिक टंग इन टू सैंपल यानी कि वेट सैंपल उस पर अप्लाई करें या वेट सैंपल में इलेक्ट्रॉनिक टंग को डिप करें दूसरा देन देर विल एन इंटरेक्शन बिटवीन दी लिक्विड सैंपल एंड दी दरेस ऑफ केमिकल सेंसर डिफरेंट केमिकल सेंसर्स के साथ वो रिएक्ट करेगी एंड देन देर विल बी अ जेनरेशन ऑफ सिग्नल्स प्रोफाइल सिग्नल प्रोफाइल जनरेट होगा एंड दैट इट विल बी सेंट फॉर दी डेटा एवेल्यूएशन अब इसमें डेटा एवेल्यूएशन नोस इलेक्ट्रॉनिक नो से थोड़ी सी डिफरेंट है बिकॉज वी विल बी यूजिंग कीमोमेट्रिक मैथड अच्छा वट इज कीमोमेट्रिक मेथड या कीमोमेट्रिक एनालिसिस कीमोमेट्रिक एनालिसिस एक्चुअली एक स्टडी है जिसमें हम पहले बहुत सा डेटा जनरेट कर लेते हैं और उस डेटा में से फिर हम यूजफुल इन्फॉर्मेशन डिटेक्ट करते हैं अब जैसे मैंने बताया अब हमारे पास कोई लिक्विड कंपाउंड है उसके टेस्ट में हमें पता है कि उसमें कोई पांच या छह डिफरेंट किस्म के टेस्ट मौजूद है वो तमाम के तमाम टेस्ट का डेटा जनरेट होगा जब ये डेटा जनरेट होगा तो हाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज इट एक्चुअली वी विल बी यूजिंग दी कीमोमेट्रिक एनालिसिस कीमोमेट्रिक एनालिसिस इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस इस साइंस में हम स्टैट अप्लाइड मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस को इस्तेमाल करके कुछ आंसर के क्वेश्चन देते हैं दीज क्वेश्चन दैट कुड नॉट बी आंसर थ्रू केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री मोलैकुलर बायोलॉजी और केमिकल इंजीनियरिंग यानी कि ये और या मेडिसिन ये आंसर हमारे इन सब्जेक्ट्स के हैं जो कि उनके जवाब इन सब्जेक्ट सब्जेक्ट में मौजूद नहीं है बट वेन वी यूज द कीमोमेट्रिक एनालिसिस वी कैन आंसर दीज क्वेश्चन अच्छा कीमोमेट्रिक मॉडल इट डिपेंड्स कि हम उसमें क्या स्टडी करना चाहते हैं पहला मॉडल तो ये है कि हम उसमें डिफरेंट टारगेट मोलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन देखें हमारे टारगेट मोलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं कि जो हम सैम्पल चेक कर रहे हैं उसमें कौन से मेजर कॉम्पोनेंट्स मौजूद है दूसरा उसमें अडल्ट्रेशन तो नहीं है या पोल्यूटेंट्स तो नहीं एड यानी मिलावट तो नहीं की गई या वो जो है उनमें कोई पोल्यूशन से कोई दूसरे केमिकल्स तो नहीं एड हो गए और उसके बाद हम इन वैल्यूज को रिलेट करते हैं फूड की प्रॉपर्टी से वो प्रॉपर्टीज कौन सी है जैसे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बिटरनेस और स्वीटनेस मिसाल के तौर पे अगर कोई सैंपल दही जो है बहुत खट्टा हो जाए यानी कि उसकी सारनेस ज्यादा हो जाए तो वो क्वालिटी उसकी जो हमें वो क्वालिटी उसकी मुनासिब नहीं होगी या उसका स्टैंडर्ड जो है वो लो हो जाएगा या इसी तरह अगर कोई फ्रूट है जिसको मीठा होना चाहिए आप उसको अगर टेस्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक टंग के जरिए वो मीठा नहीं है तो दैट इज अनदर इम्पोर्टेंट पैरामीटर दैट वुड बी स्टडीज एंड मुख्तिफ कम्स की एंटी ऑक्सीडेंट स्टडीज दे आर ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट फॉर डिटर्मिनिंग दी कीमोमेट्रिक मॉडल अच्छा अब जैसे ये मैंने आपको इस स्लाइड में आप देख सकते हैं देर इज एन इलेक्ट्रॉनिक टंग एंड दिस इलेक्ट्रॉनिक टंग बेसिकली हमने जैसे शुरू में पढ़ा था कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर है इसमें हमारे पास इन सेंसर में हमारे पास जो है हम अपना सैम्पल इसमें लिक्विड सैम्पल इंट्रोड्यूस करवाते हैं लिक्विड सैम्पल इंट्रोड्यूस करवाने के बाद जो है चूंकि जो बेसिकली इसमें ब्लैक टी की बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं एंड दीज प्रॉपर्टीज आर एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज अगर ये प्रॉपर्टीज कम हो जाती है जब उस पर कोई इफेक्ट आता है तो देन द क्वालिटी ऑफ द टी इज इफेक्टेड अच्छा अब इलेक्ट्रॉनिक टंग के क्या एडवांटेजेस हैं हम इलेक्ट्रॉनिक टंग को कहा इस्तेमाल कर सकते हैं हम वहां इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे ह्यूमन पैनल या तो इस्तेमाल नहीं किया जाता या नहीं किया जाना चाहिए मिसाल के तौर पे प्रोसेस कंडीशन में इंडस्ट्री में हम जो है अगर बहुत बड़ी प्रोडक्शन हो रही है तो उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक टंग इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरा केस है पॉइजनस और एक्सट्रीम यानी कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जहां बार बार जो है मेडिसिन को या ड्रग को चेक करने कर, करने से जो है ह्यूमन्स को या जो हमारे ह्यूमन वहां पे हमने जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जान को खतरा हो सकता है तो उसके लिए बेहतर है कि हम इस इलेक्ट्रॉनिक टंग को यूज करें तीसरा इकोनॉमिक रीजन भी हो सकता है यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक टंग जब आपने इस्तेमाल किया तो उसका इतना खर्चा नहीं होगा एज कम्पेयर टू कि आप जब आप पूरा सिस्टम उसके लिए ले रहे हैं या लोगों को इम्प्लाई कर रहे हैं दैट विल बी बिट एक्सपेंसिव अच्छा अब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक कप uh, में कोई हॉट uh, ड्रिंक uh, है एंड यू वांट टू आइडेंटिफाई इट तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे मिसाल के तौर पे दैट साम्पल कंटेन दैफिन कैफिन इज ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिम्यज टू फंक्शनल ग्रुप पहला फंक्शनल ग्रुप है इसमें अमाइड फंक्शनल ग्रुप दूसरा फंक्शनल ग्रुप है अमीन फंक्शनल ग्रुप एंड दिस कैफिन कैन रिएक्ट विद एलकेन लाइक रीजन अमीन एंड फॉस्फोरिक एसिड यानि कि हम अगर ऐसे नैनो मटीरियल इस्तेमाल करें या नैनोस्ट्रक्चर इस्तेमाल करें जो हमारे इन फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्ट कर सके दैन इट विल बी ईजी

केमिकल सेंसर्स के साथ रिएक्शन और उसके बाद जो है हमारा ब्रेन उसमें मेन रोल प्ले करता है जबकि ह्यूमन जबकि इलेक्ट्रॉनिक टंग में ये लिक्विड्स जो है वो केमिकल सेंसर्स के साथ रिएक्ट करता है रॉ डेटा जनरेट होता है इस डेटा को जो है कीमोमेट्रिक स्टडीज के जरिए हम जो है उससे अपना रिजल्ट आइडेंटिफाई करते हैं तो यू कैन सी दी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टंग वी कैन चेक द क्वालिटी ऑफ वाटर डिफरेंट फूड इन्वायरमेंट एक्सप्लोजिव इट कैन हैव यूज इन फार्मेसी इन इंडस्ट्री And in vitro medicine. So, this is a very useful device and is being um, heavily used in the industry and other studies. Achha, now, we are going to just revise it. So, what is meant by e-tongue? Give the uh, working principle of e-tongue and how e-tongue is comparable to the biological tongue. Doustra, what is meant by chemometric studies? Uh, chemometric studies are the basis for the electronic tongue. And give the chemical basis for the detection of caffeine in a given sample by using electronic tongue. And then give the uses of electronic tongue and its benefits.